हेलो फ्रेंड, वेलकम टू धनुका एग्री एकेडमी। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है पार्ट 3 है IGKVP का, CET का क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यू, जैसे कि आप लोग का डिमांड भी है और एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहा है, तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना ज़्यादा बेटर होगा ताकि आपको क्वेश्चन जो है बन सके। तो आज की इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर से पार्ट 3, और इसमें हम डिस्कस ज़्यादा करेंगे और जो है जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम बताएंगे, उनका आंसर जो सिंपल है उनको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है द इन्फ्लुएंस इन सोयाबीन इज नोन एज, तो जो सोयाबीन की इन्फ्लुएंस होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो वो है रेजिम्स। और रेजिम्स में बहुत सारे ग्रुप आते हैं, तो आप यहाँ इमेज भी देख सकते हैं कि कैसे कैसे पार्ट्स होते हैं। एक्सिलरी किसको बोलते हैं, लीफ मार्जिन किसको बोलते हैं, एपिकल बड्स किसको बोलते हैं, और रेजिम्स के एग्जांपल क्या क्या हैं वो आप देखे रहिएगा, क्योंकि सिमिलर टाइप के क्वेश्चन जो है IGKVP में पूछा जा रहा है। रोस्टोलूसिसमट जो है वीट का डिजीज़ है, और वीट में ये डिजीज़ जो है काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम करता है। इसको कंट्रोल करने के लिए हम तीन तरीके का मेथड यूज़ करते हैं, सोलर एनर्जी, हॉट वाटर और वीटावैक्स का भी यूज़ करते हैं केमिकल में, और इसमें से सबका भी यूज़ कर सकते हैं। तो आंसर इसका ऑल ऑफ देस आता है। तो हम फिर भी हमको अगर ये क्वेश्चन पलट के पूछ दिया गया कि हॉट वाटर में कितना डिग्री सेल्सियस होगा, तो आपको याद रखना है 200 से 300 डिग्री सेल्सियस 5 घंटे के लिए, है ना। इससे डोरमेंट जो माइसेलियम है वो टूट जाते हैं, वो मर जाते हैं। हॉट एयर ट्रीटमेंट में हमको रखना है 500 डिग्री सेल्सियस 2 घंटे के लिए, मोज़ेक्स वायरस के लिए इसमें राहत मिलता है। मॉइस्ट हेयर जो टेक्निक होता है उसमें भी हम 540 डिग्री सेल्सियस रख के 8 घंटे तक इसको कर सकते हैं, और ये ग्रासी सूट ऑफ डिजीज़ शुगर केन के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट, जिसको लूथरा ने दिया था, ठीक है, लूथरा ने दिया था। और ये जो डिजीज़, ये जो टेक्निक है, इससे डिजीज़ जल्दी कंट्रोल हो जाता है। और ये सीड ट्रीटमेंट का मेथड है, इसमें पूरा मेथड जो है लिखा गया है। 4 घंटे के लिए रखना है, पहले पानी में उसको सॉकेट करवाना है, देन उसके बाद से उसको सनलाइट में, उसको क्या है, ब्राइटनेस में सुखा देना है। देन जब सूख पूरा जाएगा तब उसको कार्बोक्सिन और कार्बेंडाजिम से 2 किलोग्राम से ट्रीटमेंट करना है। ये इसका पूरा मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। थर्ड है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट द सॉइल वाटर पोटेंशियल रेंज फ्रॉम, तो जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट होता है जिसमें प्लांट जो है पूरा सूखने में आ जाता है, तो ये जो है ये मेज़र करता है कि जो पानी को है सॉइल कितनी शक्ति से पकड़ा है, कितने बार कितने प्रेशर से पकड़ा है, तो ये उसको मेज़र करता है। तो -50 बार में ये चला जाता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में, जब प्लांट सूखने के स्टेज में आ जाता है। फोर है द फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंस रेडिएशन दैट इज़ रिफ्लेक्टेड बाय लैंड सर्फेस स्कैल्डस, एक फ्रैक्शन आता है, रेडिएशन आता है हमारे लैंड सर्फेस में सनलाइट से, और वो जो है ऊपर की ओर बढ़ जाता है रिफ्लेक्ट होकर के, तो इस किरण को हम एल्बिडो बोलते हैं। ये क्वेश्चन बार बार आता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिफ्थ हमारा है द डार्क कलर बेस रिच सॉइल आर क्लासिफाइड इनटू सॉइल ऑर्डर, तो ये सारे जो कलर हैं इनको अलग अलग कलर में बांटा गया। अल्फी सॉइल जो है येलो लाइट कलर हो गया, या फिर स्पोडो सॉइल जो है ये भी कुछ अलग रेड सॉइल होते हैं अलग अलग, तो वर्टी सॉइल को हमने ब्लैक सॉइल में इससे बांटा गया है। ड्यू टू मोल्ड मोरिनोनाइट जो क्ले पार्टिकल पाए जाते हैं उनमें ये कलर जो है प्रोड्यूस होता है, तो ये वर्टी सॉइल इसका आंसर जाएगा, और आप इनके भी कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लीजिएगा। सिक्स है पॉटरी मिल्ड्यू ऑफ रोजेज इज कॉज्ड बाय, तो पॉटरी मिल्ड्यू ऑफ रोज का आपका कॉजल ऑर्गेनिज्म पूछा है, तो स्पैरोथीसिका पेनोसा ये इसका बॉटनिकल नेम है, ये इसका राइट आंसर है। बाकी अगर हम देखें यूनिसेलुला नेक्टरा, तो ये जो है आपका ग्रेप में पाउडरी मिल्ड्यू करता है। एरिसिपी पॉलीगिनी की बात करें तो ये क्रिसिफेरी क्रॉप में आपका पाउडरी मिल्ड्यू करता है, तो ये आंसर आपका डी आएगा, ठीक है। सेवन है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज मिनिमम व्हेन द डेविएशन आर टेकन फ्रॉम, तो ये इसके फार्मूला में ये कहा जाता है कि जब जितने भी जैसे ये वेरिएबल्स है X1, X2, है ना, तो एक्स बार जो है ये सब वेरिएबल है, इनको हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करके अंडर रूट करते हैं, तो अंडर रूट जो में जो आंसर आता है वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम ऐसे ही मेज़र करते हैं। तो ये स्टेटा का क्वेश्चन है, और स्टेटिस्टिक्स का भी क्वेश्चन जो है आपको बहुत 3-4 क्वेश्चन तो एकदम आते ही आते हैं, तो आप उसको भी ध्यान दीजिएगा, तो मैं उनको भी लेकर चल रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। एट है अमॉन्ग द इंटर गैसेज इज हैविंग द हाइगेस्ट कंसनट्रेशन इन द ट्रोपोस्फियर, तो इंटर गैसेस में क्या क्या आ रहा है, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन और रेडॉन, तो यहाँ हम परसेंट देख सकते हैं। नाइट्रोजन इंटर गैसेस में इन्होंने जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से आर्गन का 0.94, और नियॉन का जो है नियॉन नहीं दिया, हीलियम है तो हीलियम का 0.004 है,
और रेडॉन का ट्रेस है बहुत कम मात्रा में है, और क्रिप्टॉन का देखें तो 0.05। तो सबसे ज़्यादा क्या हुआ आपका एरोगन, तो आंसर आपका ऑर्गन जा रहा है। यहाँ पर भी आप पाई डायग्राम में देख सकते हैं ऑर्गन का सबसे ज़्यादा एरिया कवर होता है, ठीक है। फिर लीफ कर्ल ऑफ चिली इज ट्रांसमिटेड बाय, तो लीफ कर्ल और चिली को ट्रांसमिट करता है वाइट फ्लाई। बट अगर ये तीनों ऑप्शन को अगर घुमा दिया जाए तो अगर एफिड को पूछा तो एफिड जो है ग्राउंड नट में भी वायरस डिजीज़ को फैलाता है, या फिर यहाँ बनाना में भी फैलाता है, लीफ ऑपर जितने फाइटोप्लाज्म डिजीज़ है उनको फैलाता है, है ना। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें भी दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। फिर आपका द कॉन्सेप्ट ऑफ EIL वाज, तो कॉन्सेप्ट ऑफ EIL वाज प्रपोज फर्स्ट टाइम इसे ईस्टर्न ने प्रपोज किया था 1959 में। इसका मतलब होता है इकोनॉमिकल इंजरी लेवल, इकोनॉमिकल इंजरी लेवल को हम देखते हैं इसमें। और बाकी के ऑप्शन की बात करें स्मिथ और एटकिंसन ने, तो ये जो है इन्होंने IPM सिस्टम को डिस्क्राइब किया था, इसलिए इसका आंसर ईस्टर्न जाता है, ईस्टर्न। उसके बाद आपका 11वां है फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एल्बर्ट हार्वर्ड को कहते हैं। बाकी अगर और फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग की बात करें तो मोंसेबो फुकोकोवा, और फादर ऑफ परमाकल्चर की बात करें तो विली मिलोसॉन, और रुडोल्फ स्टेनर जो है बायोडायनामिक एग्रीकल्चर के फादर है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका हार्वर्ड आएगा। 12 है द इंडियन नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन एंड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो आर गवर्नेड बाय, तो एंडोकार्ड जो है इसे प्रपोज हुआ था ये अक्टूबर 2001 में। नॉन प्रॉफिट मेंबरशिप है, NGO के द्वारा बनाया गया है, और ये जो है इसमें बहुत सारे प्रोड्यूसर ऑपरेट करते हैं। तो ये जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को सर्टिफिकेशन देने की एजेंसी है। उसी प्रकार एपीडा जो है एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो 1986 में आया था। और आईफोम की बात करें तो ये भी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट है जिसमें वर्ल्ड वाइड ये काम करता है, 1972 में ये आया था। फिर NPOP की बात करें तो नेशनल ऑर्गेनिक प्रोग्राम इज द फेडरल रेगुलेटरी ऑफ फ्रेमवर्क इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका गवर्निंग ऑर्गेनिक फूड 2002। तो ये आंसर आपका एंडोकार्ट आता है, और इसके बारे में डिटेल आप देख सकते हैं। फिर आपको 13 है फ्रूट बोरर ऑफ चिली, तो फ्रूट बोरर ऑफ चिली का जो साइंटिफिक नेम है हेलियोकॉर्पा आर्मीजेरा है। और उसी प्रकार स्पोडोप्टेरा लिटुरा की बात करें तो ये टोबैको कटवार्म में क्या आता है, तो ये टोबैको कटवार्म है, ये आपका चिली का पॉड बोरर है, ठीक है। और ये ब्लू विट्रोल मतलब नीला तोता किसे कहते हैं, तो कॉपर सल्फेट को नीला तोता कहते हैं। ये हमारा काफ़ी ईजी क्वेश्चन, तो इस तरह के ईजी क्वेश्चन भी IGKV में आ जाते हैं। बाकी हम हार्ड क्वेश्चन को ज़्यादा डिस्कस करेंगे। द टर्की रेड ऑयल इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग कैस्टर ऑयल विथ, तो ये जो टर्की रेड ऑयल है इस तरीके की इसकी पैकिंग होती है, और इसे कैस्टर से बनाने के लिए हम H2SO4 का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका आंसर H2SO4 आएगा। 16 क्वेश्चन अमॉन्ग ऑयल के द हाइएस्ट N कंटेनिंग, तो N मतलब नाइट्रोजन को पूछ रहा है, नाइट्रोजन का कंटेंट किस में जाता है। यहाँ पर नाइट्रोजन का सिंबल है, देख सकते हो आप, सब ऑयल केक्स का यहाँ पर नाम दिया हुआ है और यहाँ पर परसेंट दिया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा ग्राउंड नट केक में आप 7.3 देख सकते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन, इसका आंसर ग्राउंड नट केक आएगा। नेक्स्ट हमारा देखते हैं हम, 17 हैज़ अ क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर, तो क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर किसको बोला जाता है, तो tRNA को क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर बोला जाता है, क्योंकि आप क्लोवर का लीफ देख सकते हो और इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये tRNA का स्ट्रक्चर है। इसे रॉबर्ट हॉली प्रपोज किया था इन्हें 1968 में। तो ये इतने चीज़ों को आप इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, कब दिया था, किसने दिया था और क्यों, ठीक है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर IGKV में पूछा जाता है। फिर 18 है विच ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट डिफिशियंसी एलिमेंट इन द सॉइल नेक्स्ट टू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद नेक्स्ट कौन सा ऐसा सॉइल का न्यूट्रेंट है वो जो कम होता है दरअसल, तो ये जो है जिंक की डिफिशियंसी जो है ज़्यादातर जो है आता है देखा जाए तो। तो सेकंड आंसर आपका जिंक। 19 है पॉपकॉर्न इज, तो पॉपकॉर्न कौन सा है, तो पॉपकॉर्न का बॉटनिकल नेम जिया मेज एवराटा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डेनकॉर्न का जिया मेज इंडू एंडिडाटा है, फिनकॉर्न का इंडोराटा है, पॉपकॉर्न का एवराटा है, तो यहाँ पर पॉपकॉर्न ही पूछा है। तो ये बाकी भी आप देख सकते हैं स्वीटकॉर्न का सेकेराटा है ना, तो ये आप याद कर सकते हैं, याद करने के लिए आपको इजी बनाया है, इसे स्क्रीनशॉट लेना है आपको और पढ़ना है, ठीक है। 20 है द साइंटिफिक नेम ऑफ कोदो मिलेट, कोदो मिलेट का साइंटिफिक नेम पूछा है, कोदो मिलेट का साइंटिफिक नेम पेपलम स्कॉर्बिकलेटम है। और बाकी का अगर देखें तो हम फिंगर मिलेट का यहाँ पर दिया हुआ है एलुसियाना कुरकाना और
कॉक स्पोर ग्रास का जो है इसमें भी इकोनोकोलोना ब्रुसगेली, इसको भी सांवा कहते हैं हिंदी में, और परसो मिलेट, परसो मिलेट जो है पेनिकम मेलिकम, ठीक है। तो ये जो है इतने सारे आपको 20 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा जा चुका है GRF में, और ये बार बार रिपीट भी हो जाते हैं क्वेश्चन, या फिर घुमाने का अगर तरीका है तो सेम आपके टॉपिक से ही घुमाएगा, आपके ऑप्शन से ही घुमाएगा। तो मैंने सारे ऑप्शन को डिटेल आपको कर दिया है, उम्मीद है आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं और मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं इसी तरीके के वीडियो डालते रहता हूँ। और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पर, और हम इसके बाद लेकर आ रहे हैं सुपर 10 क्वेश्चन। तो सुपर 10 क्वेश्चन को हम एक टॉपिक बनाएंगे, 10 क्वेश्चन के एक एक टॉपिक होंगे, तो हम उस तरीके से हम पढ़ाएंगे, और 10 टॉपिक को हम एक ही लेक्चर में डिस्कस करेंगे, है ना। तो बने रहिए हमारे चैनल में और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहे दोस्तों। इस वीडियो में पढ़ाए गए सारे लेक्चर PDF नोट्स आपको dhanuka.com में मिलेंगे। PDF बुक हो गया, ICER GRF CET के YouTube वीडियोस, आर्टिकल्स, एग्रीकल्चर नोट्स, PDF, PPT, हैंड राइटिंग नोट्स एंड नोटिफिकेशन। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे हमारा लिंक है टेलीग्राम के लिए इंडियन एग्रीकल्चर स्टूडेंट ग्रुप, एंड फेसबुक ग्रुप में आपको ICER GRF प्लांट साइंस इंडियन एग्रीकल्चर। इंस्टाग्राम पेज पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, धनुका एग्रीकल्चर के नाम से हमारा पेज है।